हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो बहुत सारे व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं, क्योंकि कभी भी एनाटॉमी के साथ फिजियोलॉजी कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कभी एक दो वीडियो डाल दी, कभी नहीं डाली, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है काफी बच्चों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उन्हें सबको प्रॉब्लम आ रही है कि सर कोई फिजियोलॉजी ठीक से पूरे यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है। तो मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं और इस सीरीज का नाम रखा है मैराथन सीरीज। ठीक है, मैराथन सीरीज क्यों रखा है, क्योंकि एक लॉन्ग सीरीज रहेगी और इसमें हम टारगेट रखेंगे। टारगेट हमारा ये रहेगा, वन वीक के अंदर वन सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हैं उन्हें हम एक एक वीक के हिसाब से खत्म करेंगे, चाहे कितनी भी लंबी वीडियो बनानी पड़े, चाहे एक वीडियो छोटी हो अगली वीडियो लंबी हो, लेकिन एक वीक के अंदर एक सिस्टम खत्म करना है हमको। इस टारगेट के साथ हम आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ आप इस बुक को पढ़िए, अगर इस बुक को आप पूरा पढ़ लेंगे मेरे साथ तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको फिजियोलॉजी की सबसे टॉप मोस्ट बुक ग्रेज एनाटॉमी ग्रेस तो एनाटॉमी की बुक है, बार बार एनाटॉमी जबान पे आता है, गाइडेंस फिजियोलॉजी आपको समझ में आने लगी, और हो सका तो गाइडेंस को भी हम इसी तरीके से मैराथन सीरीज में खत्म करेंगे। ठीक है, लेकिन पहला टारगेट है किसी एक इंडियन ऑथर को खत्म करना। तो मैं मुझे इस बुक का जो लिखने का पैटर्न है वो बड़ा अच्छा लगा राइटर का, तो मैं पर्सनली इसको काफी पसंद करता हूं। और आप एक बार इसको जरूर पढ़िए, आप कोई सी भी बुक फॉलो करिए, मैं नहीं कहता कि मुझे किसी ऑथर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार जब इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको बाकी बुक्स सिंपल लगने लगेंगी। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना पहला सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। चलिए, तो ये इस पूरे वीक का टारगेट रहेगा। आज मंडे है और अगले संडे तक हमको इसको खत्म कर देना है। कोशिश करेंगे उससे पहले ही अपनी इस रेस को पूरा कर सके। ठीक है, ये मैराथन सीरीज आप सभी के साथ है, तो शुरुआत करते हैं इसको। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी, हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिजियोलॉजी ऑफ बोन, इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक डाल दिया गया है, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियास, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ अदर स्मॉल ऑर्गन्स एंड लोकल हॉर्मोन्स। तो आप देख सकते हैं हमें ये पूरी टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो टेन टॉपिक्स हैं और डे है हमारे पास 7, तो बहुत तेजी से दौड़ना पड़ेगा हमको और इस टॉपिक को खत्म करके ही सांस लेंगे, क्योंकि मैराथन हम ही को जीतनी है फिजियोलॉजी में। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये है हमारा पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी। हेडिंग देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी। क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या इसमें हमें देखना है, जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में सेल टू सेल सिग्नलिंग क्या होती है, कैसे एक सेल दूसरे सेल से सिग्नल पास करता है, केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। इसके बाद मेथड ऑफ स्टडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मेथड ऑफ स्टडी क्या है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, स्टडी ऑफ हॉर्मोन, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इन तीनों चीजों को हम कैसे पता लगाते हैं स्टडी के दौरान, अगर हमें इनमें तीनों में कोई दिक्कत है, यानी ग्लैंड की स्टडी कैसे करेंगे, हार्मोन की स्टडी कैसे करेंगे और एंडोक्राइन डिसऑर्डर की स्टडी कैसे करेंगे। तो जल्दी से मेरा मॉरल बूस्ट अप करने के लिए जल्दी से एक लाइक मार दीजिए वीडियो पर, और जल्दी से जल्दी शेयरिंग लिंक तैयार करिए और बेच दीजिए अपने सारे दोस्तों को। ठीक है, बेचने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक आप इसकी कीमत ले जाएंगे वीडियो की, तब तक आपको इसका कोई वैल्यूएशन पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो शुरुआत कर दीजिए इसको बेचने की, ऑनलाइन बिक्री करिए इसकी, लेकिन कॉस्ट जीरो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, ये हमारा टारगेट है कि फिजियोलॉजी हर उस बच्चे के समझ में आए जिसके लिए एक बड़ा सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखते हैं, ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर सिस्टम्स। एक होता है आपका नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये दोनों, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने पढ़े थे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों के दोनों
साथ में कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। दीज टू सिस्टम इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। दिस सेक्शन डील्स विद द एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेक्शन 10 डील्स विद द नर्वस सिस्टम, है ना। सेक्शन 10 क्या है इससे अभी हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेक्शन 10 डील्स विद द नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शंस बाय सिक्रेटिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड हॉर्मोन्स। और आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम एक ही फंडे पे काम करता है और वो है हॉर्मोन्स। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक इंट्रोडक्शन में कि सेल टू सेल सिग्नलिंग क्या होती है, सेल टू सेल सिग्नलिंग क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सेल टू सेल सिग्नलिंग रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल सिग्नलिंग और इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम बोल देते हैं इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन। क्या बोल देते हैं? इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन। बंद कर देते हैं इसको बॉक्स में, इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई हमको, इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन। द सेल ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सम केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। अब ये जो सेल है आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल मैसेंजर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, केमिकल मैसेंजर्स आर द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द सेल सिग्नलिंग। तो बेसिकली ये किस काम आ रहे हैं? सेल के सिग्नलिंग में काम आ रहे हैं। दीज मैसेजेस आर मेनली सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। सम केमिकल मैसेंजर्स आर सिक्रेटेड बाई नर्व एंडिंग्स एंड द सेल्स ऑफ सेवरल अदर टिश्यूज। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये ग्लैंड से ही सिक्रेट होते हैं केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर नर्व एंडिंग से भी सिक्रेट होते हैं और अदर जो बॉडी के टिश्यू है वहां से भी लोकलाइज्ड हार्मोन सिक्रेट के हार्मोन या कह सकते हैं हम केमिकल मैसेंजर सिक्रेट होते हैं। जैसे GIT है ना, GIT में मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोन्स, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन, ये सब क्या है, लोकल लेवल पर रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज नहीं होते, क्लियर। ऑल दीज केमिकल मैसेंजर्स कैरी द मैसेजेस और सिग्नल्स फ्रॉम सिग्नलिंग सेल्स दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग सेल टू द टारगेट सेल। यानी जो सिग्नल भेजेगा, यानी जो कंट्रोलिंग यूनिट होगी, भाई तुझे ऐसे काम करना है, तुझे ऐसे काम करना है, किसके लिए? टारगेट सेल के लिए। द मैसेंजर सब्सटेंसेज मे बी हॉर्मोन और हॉर्मोन लाइक सब्सटेंस। तो ये जो मैसेंजर भेजा जा रहा है या तो केमिकल फॉर्म में होगा, या तो हॉर्मोन होगा या कोई हॉर्मोन जैसा सब्सटेंस होगा, ठीक है। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि हॉर्मोन जैसा सब्सटेंस दिमाग में आते ही आता है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर, यानी केमिकल मैसेंजर कितने तरीके के हो सकते हैं। तो जनरली केमिकल मैसेंजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है आपका क्लासिकल हॉर्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा होता है लोकल हॉर्मोन्स दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम अदर टिश्यूज। हाउएवर रिसेंटली केमिकल मैसेंजर्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप। अभी रिसेंटली जो नई बुक्स में है, क्लासिफिकेशन का टाइप चेंज हो चुका है। कुछ बुक्स इस तरीके से क्लासिफिकेशन करती है, एंडोक्राइन मैसेंजर होंगे, पैराक्राइन मैसेंजर होंगे, ऑटोक्राइन होंगे या फिर न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स होंगे। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए, पानी मैसेंजर, ठीक है, पानी या पेन, पेन से आई आता है इसलिए पानी बेस्ट है, पानी मैसेंजर, ठीक है। तो चार तरीके केमिकल मैसेंजर होते हैं, पानी मैसेंजर, ठीक है। और अगर लोग वैसे देखा जाए ओल्ड सिस्टम में, तो क्लासिकल एंड लोकल हार्मोन्स। अलग से हम लोकल हार्मोन पूरा चैप्टर पढ़ने वाले, हमने उसे क्लासिफिकेशन में रखा हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं कि एंडोक्राइन मैसेंजर क्या है, ठीक है, समझिए। एंडोक्राइन मैसेंजर्स आर क्लासिकल हार्मोन्स, देखिए इसी कैटेगरी में आएगा ये। अ हार्मोन इज डिफाइंड एज केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज बाई एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन और टिश्यू एट द साइट ऑफ एक्शन। तो देखिए, इसे ग्लैंड सिक्रेट करती है और टारगेट ऑर्गन पर कौन लेकर जाता है, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल कौन, ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस कौन होता है, ब्लड। एग्जांपल, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। आपको पता है इंसुलिन पेनक्रियास से सिक्रेट होता है और ग्रोथ हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से, ये पिट्यूटरी से, और इंसुलिन पेनक्रियास, पेनक्रियास से कौन से सेल, बीटा सेल्स, क्लियर है। एक होता है आपका एंडोक्राइन मैसेंजर हो गया, अब समझते हैं पैराक्राइन मैसेंजर क्या है। तो पैराक्राइन मैसेंजर्स
पैराक्राइन मैसेंजर्स आर केमिकल मैसेंजर्स विच डिफ्यूज फ्रॉम कंट्रोल सेल टू द टारगेट सेल थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूड. सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज डायरेक्टली एंटर द नेबरिंग टारगेट सेल थ्रू द गैप जंक्शन. सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड जक्स्टाक्राइन मैसेंजर और लोकल हॉर्मोन. और इन्हीं को जक्स्टाक्राइन मैसेंजर बोल देते हैं पैराक्राइन को, या फिर लोकल हॉर्मोन भी बोल देते हैं. ठीक है, ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखिए टेस्टिस में देखने को मिलता है. आपको पता है टेस्टिस कैसी ग्लैंड है? टेस्टिस एक मिक्स ग्लैंड है. ठीक है, वहां से हार्मोन भी निकलते हैं और बाकी सब्सटेंसेस भी निकलते हैं, है ना. तो देखिए वहां पर जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन. तो टेस्टोस्टेरोन का जो एक्शन होता है वहां पर सेल्स के ऊपर फेमिनिफेरस ट्यूबुल में कैसा एक्शन होता है? पैराक्राइन. ये भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए. ठीक है, यानी जहां ये रिलीज हो रहा है उसके आसपास के एरिया में अफेक्ट करता है थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस. ठीक है, एग्जांपल क्या है इसके? इसके एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिंस और हिस्टामिन. एंडोक्राइन के एग्जांपल क्या थे? ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा. ठीक है, तो जल्दी से लाइक मार दीजिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पानी में हमें पी और ई का मतलब पता चल गया, ए और एन का मतलब ढूंढते हैं अभी. ठीक है, अपना अगला क्या टाइप है? अपना अगला है ऑटोक्राइन मैसेंजर. ऑटोक्राइन मैसेंजर क्या होते हैं? ऑटोक्राइन मैसेंजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस. देखिए ऑटोक्राइन में ऑटोक्राइन मैसेंजर्स कौन से होते हैं? ऑटोक्राइन मैसेंजर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट कंट्रोल द सोर्स सेल विच सिक्रीट देम. सो दीज मैसेंजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा सेल्यूलर. इंट्रा यानी विद इन द सेल, है ना, इंटर नहीं, इंट्रा सेल्यूलर केमिकल मीडिएटर्स लाइक ल्यूकोट्रिन्स. ये क्या होते हैं? ल्यूकोट्रिन्स. जब इम्यूनिटी टॉपिक पढ़ेंगे तब हम वहां पढ़ेंगे ल्यूकोट्रिन्स का क्या फंक्शन होता है. ठीक है, ये वहां काम आते हैं. तो ये एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑटोक्राइन का. ऑटो माने सेल्फ, है ना, ऑटो माने होता है सेल्फ. तो ये सेल्फ पे एक्ट करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन मैसेंजर्स, क्योंकि ये इंट्रा सेल्यूलर केमिकल. इंट्रा यानी विद इन द सेल. नेक्स्ट इज न्यूरोक्राइन. और नेक्स्ट अपना कौन सा था? न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर. तो ये न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर्स आर न्यूरो ट्रांसमीटर एंड न्यूरो हॉर्मोन्स. तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं पहले ये समझते हैं हम. ठीक है, इसमें फिगर भी दे रखा है, फिगर में भी देखेंगे कैसे कैसे ये एक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर दे रखा है न्यूरो ट्रांसमीटर. तो न्यूरो ट्रांसमीटर इज अ एंडोजीनियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल और मसल और अनदर टिश्यू. एग्जाम्पल आर एसिटाइल कोलिन एंड डोपामाइन. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? एसिटाइल कोलाइन और डोपामाइन. तो न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे होते हैं? एंडोजीनियस सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब एंडो माने विद इन. ठीक है, दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अनदर नर्व सेल और मसल और एनी अदर टिश्यू. ठीक है, तो यहां पर ये सिग्नल कैसे जाएंगे? एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल. आपको पता है नर्व एंडिंग्स पर एसिटाइल कोलिन के गेट्स होते हैं और ये एसिटाइल कोलिन साइनेप्स, जो वर्ड आपने सुना होगा, वहां पर रिलीज होता है और अगले वाले सेल के कौन से गेट्स को खोल देता है? सोडियम चैनल्स को खोल देता है. तो इसीलिए आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये बिल्कुल वही साइनेप्स सेक्शन में जो हम पढ़ते हैं ना, तो एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये वाले न्यूरो ट्रांसमीटर यूज होते हैं. ये एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की. न्यूरो हॉर्मोन क्या है? ठीक है, दोनों इसी कैटेगरी में आएंगे, दोनों ही मैसेंजर है. न्यूरो हॉर्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज बाय नर्व सेल डायरेक्टली इनटू द ब्लड, है ना. सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं है. न्यूरो ट्रांसमीटर में क्या है? सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, जबकि न्यूरो हॉर्मोन में क्या है? वो अपने कंपोनेंट को ब्लड में रिलीज करेगा और ब्लड से ये दूसरे टारगेट ऑर्गन तक जाएगा. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं. ऑक्सीटोसिन, एडीएच या एंटी डायुरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है आपको पता है? वैसोप्रेसिन. इसी को क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन. दोनों कहां से निकलते हैं? दोनों के दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, वैसोप्रेसिन. ठीक है, या इसी का नाम एडीएच भी होता है.
हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये तीन कैटेगरी आप याद करिए। सम ऑफ द केमिकल मीडिएटर एक्ट्स एज मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर, फॉर एग्जाम्पल नॉरएड्रेनालाइन एंड डोपामिन, ये दो है मॉलिक्यूल, नॉरएड्रेनालाइन एंड डोपामिन फंक्शन एज क्लासिकल हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर। सिमिलरली हिस्टामिन एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड पैराक्राइन मैसेंजर। हिस्टामिन कब रिलीज होता है? मास्ट सेल से रिलीज होता है, जब भी इन्फ्लामेशन आता है किसी जगह पर, सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, तो वहां पर किसकी वजह से होता है? हिस्टामिन की वजह से वो लोकलाइज रिएक्शन होता है। तो ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम कर रहा है और पैराक्राइन मैसेंजर की तरह। ऐसे ही आपका नॉरएड्रेनालाइन कैसा है? डोपामाइन और नॉरएड्रेनालाइन, ये दोनों के दोनों क्लासिकल हार्मोन में भी आते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी नर्व से नर्व में कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं, साथ में ये कैसे हैं, ये हार्मोन वाली कैटेगरी में भी आते हैं। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो। तो यहां पर अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चारों एक्शन करते हैं। केमिकल मैसेंजर इस डायग्राम से अब हम समझते हैं केमिकल मैसेंजर। तो पहला कौन सा था? एंडोक्राइन। पहला कौन सा था? एंडोक्राइन। तो यहां पर साफ दिख रहा है सेल इन एंडोक्राइन ग्लैंड, यहां से इसने ये मॉलिक्यूल निकाले, ये मॉलिक्यूल बनाए और ट्रांसपोर्ट करा रहा है हार्मोन थ्रू ब्लड। कहां पर जा रहा है हार्मोन? कहां पर जा रहा है? टारगेट सेल पर। कहां पर जा रहा है? टारगेट सेल पर। तो ये क्या हो गया? एंडोक्राइन मैसेंजर। ऑटोक्राइन मैसेंजर, ऑटोक्राइन में क्या था? ऑटो माने सेल्फ। तो यहां पर इस सेल ने क्या निकाले? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकाले और ये मैसेंजर एक्ट ऑन द सेम सेल और ये अपने ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर या अपने जैसे ही सेल, अपने आसपास के सेल्स पर टारगेट कर रहे हैं, ऑटोक्राइन, ठीक है। पैराक्राइन, पैराक्राइन मैसेंजर क्या है? सिग्नलिंग सेल ने ये हार्मोनल मॉलिक्यूल निकाले, मैसेंजर्स डिफ्यूज थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस। ये बीच का स्पेस कौन सा है? ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, दो सेल के बीच का स्पेस क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है? फ्लूड। और इसके बराबर वाले सेल के टारगेट सेल पर ये पहुंच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूड। तो एंडोक्राइन और पैराक्राइन में डिफरेंस क्या है? एंडोक्राइन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू, जबकि पैराक्राइन करता है डायरेक्टली किसके थ्रू? इंटरस्टिशियल फ्लूड के थ्रू, ठीक है। और ऑटोक्राइन मैसेंजर अपने खुद के लिए ही मॉलिक्यूल्स बनाता है। पैराक्राइन मैसेंजर और जक्स्टाक्राइन मैसेंजर, देखिए यहां पर सिग्नलिंग सेल ये है और टारगेट सेल इसके बराबर वाला है। मैसेंजर डिफ्यूज थ्रू द गैप जंक्शन, इन दोनों सेलों के बीच में स्पेशल टाइप के जंक्शंस हैं जिसको हम बोलते हैं गैप जंक्शंस, ठीक है। गैप जंक्शन हमें कहाँ मिलते हैं? कार्डियक मसल में मिलते हैं, हमने 11th class 12th class में पढ़ा हुआ है ये चीजें, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अभी मैं आगे बताऊंगा, कार्डियक में आपको समझ में आ जाएगा, या फिर जब हम ये जंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा था अपना? न्यूरोक्राइन मैसेंजर और न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये मसल है और ये नर्व है, तो नर्व एंडिंग से क्या निकलेगा? न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज थ्रू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो क्लेफ्ट क्या है? ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, यानी मसल और इसके बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं साइनेप्स। तो इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो मसल पे जो एरिया है जितनी जगह पे अटैच होता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इसके बाद न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स, न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स में या न्यूरो हार्मोन जिनको बोलते हैं, तो ये देखिए ये एक पूरा नर्व सेल है, इसके एक्सॉन टर्मिनल है और इन एक्सॉन टर्मिनल से डायरेक्टली ब्लड में क्या रिलीज हो रहा है? डायरेक्टली ब्लड में क्या रिलीज हो रहा है? हार्मोन। तो ऐसे हार्मोन कौन कौन से थे? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से निकलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्या निकलता है? ADH और वैसोप्रेसिन, और दूसरा कौन सा था? ऑक्सीटोसिन, नर्व एंडिंग पर या स्टोर करके रखता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेनली टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक, वो था एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हमारा टॉपिक कौन सा है? एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है ये देखते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विच सिंथेसाइज एंड रिलीज, सिंथेसाइज भी करती हैं और रिलीज भी करती हैं क्लासिकल हार्मोन्स इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि ये डायरेक्टली कहाँ रिलीज करते हैं? इनकी कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। डायरेक्टली कहाँ सीक्रेट करते हैं? डायरेक्ट ब्लड में।
हार्मोन डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द बाय देम आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट एनी डक्ट. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड विच रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं, उनके पास डक्ट होती है. जैसे पेनक्रियास कैसा है, मिक्स ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है. उसके पास डक्ट भी होती है और उसके पास सेल्स के थ्रू डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में भी हार्मोन रिलीज हो सकता है. एंडोक्राइन ग्लैंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन रखने वाला काम कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, पूरी फिजियोलॉजी को नॉर्मली मेंटेन करने का काम. कंट्रोल वेरियस अदर एक्टिविटीज इन बॉडी थ्रू देयर हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन और टिश्यू इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी वेयर द एक्शन इज एग्जीक्यूटेड. अब मेजर एंडोक्राइन हमें फिगर नंबर 64 के पूरे चार्ट बना दिया है. इसमें हॉर्मोन सिक्रेटेड बाई एंडोक्राइन, ये पूरी टेबल बनी हुई है. हॉर्मोन सिक्रेटेड बाई गोनेड, पूरी टेबल बनी है. हॉर्मोन सिक्रेटेड बाई अदर ऑर्गन्स, पूरी टेबल बनी है. और लोकल हार्मोन की पूरी एक टेबल, यानी पूरा डेटा एक जगह पर आपको मिल रहा है. कि आगे हम इन्हीं डाटा को और डिटेल में पढ़ेंगे इनके कंसर्न चैप्टर में, लेकिन इसमें आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए आपको. ठीक है, तो सबसे पहले ये टेबल्स को चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हार्मोन हमें देखने हैं इसमें. तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड को देख लेते हैं. इस डायग्राम में हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ होती है. पिनियल ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रेन में. उसके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी कहाँ होती है, ब्रेन में. फिर थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, गले में. उसके पीछे की तरफ पोस्टीरियरली उसके पीछे वाले सरफेस पे पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, बिहाइंड थायराइड. फिर थाइमस कहाँ होती है, थाइमस होती है मिडियास्टिनम रीजन. इस रीजन को बिटवीन द टू लंग्स वाले रीजन को क्या बोलते हैं, मिडियास्टिनम. उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी के ऊपर. फिर पेनक्रियास कहाँ होते हैं, पेनक्रियास आपके ड्यूडिनम वाला जो सी शेप होता है इसके गैप में होता है, पेनक्रियास फिट होता है. ये किडनी थोड़ा ज्यादा पीछे बना दी, किडनी यहाँ बननी चाहिए थी, डायग्राम बनाने वाली गलती है. ठीक है, ओवरीज फीमेल के केस में और मेल के केस में टेस्टिस. तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, पीओटी. पीओटी कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड. मतलब ये एंडो भी है और एक्सो भी है. पी मतलब पेनक्रियास, ओ मतलब ओवरी एंड टी मतलब टेस्टिस. ठीक है, पेनक्रियास ओवरी टेस्टिस कैसी है, ये मिक्स ग्लैंड है. ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ये याद रखना आप. ठीक है, चलिए अब टेबल देख लेते हैं. जो हमें पहली टेबल दी गई है उसका नाम है हार्मोन सिक्रेटेड बाय मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. कौन कौन से हार्मोन है जरा एक बार इसमें रिव्यू कर लेते हैं सबको. तो यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, थायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पेनक्रियास. पेनक्रियास में कौन सा, एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. एड्रीनल कॉर्टेक्स है और एड्रीनल मेड्यूला है. अब इनके हॉर्मोन्स देख लेते हैं कि यहां से हमें कौन कौन से हॉर्मोन के फंक्शंस पढ़ने हैं, वो क्या बॉडी पर एक्ट करते हैं. तो एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल ये 6 हॉर्मोन्स निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइनिक हार्मोन LH एंड प्रोलैक्टिन. ठीक है, इसके लिए आप एक निमोनिक याद कर सकते हो एंटीरियर पिट्यूटरी के, फ्लैट PG, या तो फ्लैट ले लो या PG ले लो. MBBS करने जाओगे तो जरूरी हॉस्टल मिले, नाम मैक्सिमम चांसेस में नहीं अच्छा लगता हॉस्टल. या तो फ्लैट लोगे या PG में रहोगे. ठीक है, तो F फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, A फॉर एड्रीनोकॉर्टिकोर, T फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग, P फॉर प्रोलैक्टिन एंड G फॉर ग्रोथ हार्मोन. क्लियर. और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो आपने अभी पढ़ाई था, एंटी डायुरेटिक, ADH एंड ऑक्सीटोसिन. नर्व एंडिंग से न्यूरो हॉर्मोन्स थे ये दोनों के दोनों, है ना. इसके बाद थायराइड से कौन कौन से निकलते हैं, T4 जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं, या T3 ट्राईआयडोथायरोनिन. आपको पता है, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में कि T3 मोस्ट पोटेंट होता है लेकिन ये T4 में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, कैल्सिटोनिन भी यहाँ से रिलीज होता है. और कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन एक दूसरे के एंटी काम करते हैं, ये भी आपको पता है. पैराथार्मोन कहाँ से निकलता है, पैराथायरॉयड से. पैनक्रियास से कौन सा निकलता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये चार निकलते हैं यहाँ से. एड्रीनल कॉर्टेक्स से 3 कैटेगरी के हार्मोन निकलते हैं, या तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या सेक्स कॉर्टिकॉइड या सेक्स हार्मोन्स. इसमें जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसमें सबसे फेमस कौन सा, एल्डोस्टेरोन. और थोड़ा बहुत फेमस कौन है, 11-डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में सबसे फेमस कौन है, कॉर्टिसोल. इसके अलावा कौन सा है, कॉर्टिकोस्टेरोन जो फर्स्ट नंबर पे है वो ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा फेमस है.
ठीक है, सेक्स हार्मोन मेनली कौन से निकलते हैं, एंड्रोजन्स निकलते हैं मेनली, बाकी तो निकलते ही हैं, सेक्स ग्लैंड, सेक्स मतलब मेल फीमेल में अलग अलग ग्लैंड होती हैं तो अलग अलग निकलती हैं, लेकिन दोनों में कॉमन हार्मोन निकलते हैं एंड्रोजन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों निकलते हैं कहां से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, मेडुला से निकलते हैं आपके, मेडुला से निकलते हैं आपके कांडी है, सी ए एन डी, कोई कोई बड़ा कांडी होता है, सी ए एन डी है ना, ऐसे याद कर लो, तो यानी कौन कौन से, कैटिकोलेमाइंस एड्रिनलाइन या एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं उसको, नॉर एड्रिनलाइन या नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और डोपामाइन, ये चारों निकलते हैं। कांडी हार्मोन कहां से निकलते हैं, कांडी हार्मोन निकलते हैं मेड्यूला से, ठीक है। इनका इफेक्ट कैसा होता है, बिल्कुल नर्वस सिस्टम जैसा इफेक्ट होता है इनका, ये अभी हम जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हार्मोन्स के सीक्रेशंस हमको पता चल गए, अब देखते हैं, तो वो तो हो गए एक हार्मोन की कैटेगरी, अब यहां पे हम देखते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय गोनेट से, गोनेट से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, देखो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन निकलता है, और एंड्रोस्टिएरोन ये निकलता है, और ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर इसके बाद बात करते हैं हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स, यानी लोकल लेवल पर जो हार्मोन निकलते हैं, तो जैसे पाइनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ये परमानेंट ग्लैंड नहीं होती, आपको पता है टाइम के साथ ये रिड्यूस होती चली जाती हैं, तो पाइनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन, थाइमस ग्लैंड के साथ निकलता है थाइमोसिन और थाइमिन, थाइमस ग्लैंड से ये जो हार्मोन निकलते हैं यही टी लिम्फोसाइट के मैच्योर होने, टी और बी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में हेल्प करता है ये हार्मोन, तो ये इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किडनी, किडनी से कौन निकलता है, एरिथ्रोपोएटिन निकलता है, थ्रोम्बोपोएटिन निकलता है, रेनिन निकलता है, 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सिट्रायोल निकलता है, और प्रोस्टाग्लैंडिंस निकलते हैं। हार्ट, हार्ट से क्या निकलता है, एएनएफ, ठीक है आपने पढ़ा होगा ये 11th में नाम आता है एएनपी, एंड पेप्टाइड है ये तीनों के तीनों बाय नेचर, तो एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड एंड सी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, तो हार्ट से एबीसी निकलते हैं, एबीसी, ठीक है ये याद रखना है। किडनी से ट्रैप निकलता है, किडनी के लिए क्या आप याद कर सकते हो, टी आर ई पी, ट्रैप 125, इसका निमोनिक क्या है, ट्रैप 125, और यहां पर थाइमस से टीटी, ये तो पता ही है, ठीक है। प्लासेंटा, प्लासेंटा भी कैसा है, प्लासेंटा भी कोई परमानेंट ग्लैंड तो है नहीं, आपको पता है जो प्रेग्नेंट होगा उसी के अंदर प्लासेंटा बनेगा, नॉर्मल फीमेल के अंदर तो नहीं बनेगा, तो वहां से कौन कौन से निकलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपेंस यानी एचसीजी हार्मोन, ये प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल हार्मोन है जो ये बताता है कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं, जो प्रेगनेंसी किट्स हैं उनमें, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोफिन, मेमो मेमो माने मेमोरी ग्लैंड, ये उनको डेवलप करवाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये तो निकलता ही है आपको, ठीक है। इसके बाद अलग से लोकल हार्मोन्स कौन कौन से आते हैं, लोकल हार्मोन की कैटेगरी में किसको रखा गया है, प्रोस्टाग्लैंडिंस हमारे लोकल हार्मोन बोले जाते हैं, थ्रोम्बोएक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिंस, ल्यूकोट्रिंस, लाइपोक्सिन, एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, सब्सटेंस पी, हिपेरिन, ब्रेडिकाइनिन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब के सब छोटे छोटे कलेक्शन ऑफ सेल्स से निकलते रहते हैं ये हार्मोन, जो बहुत ही लोकलाइज लेवल पर इनका फंक्शन होता है, पूरी बॉडी में इनका कोई फंक्शन ज्यादा नहीं दिखाई देता, बहुत ही लोकलाइज लेवल पर ही अपना वो दिखाते हैं रिएक्शन, तो इसलिए इनको लोकल हार्मोन की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये सारे हार्मोन्स के नाम वाम देख लिए, अब फर्दर जो वीडियोस पढ़ने वाले हैं मैराथन सीरीज में, वो इन सब के फंक्शंस, मोड ऑफ एक्शन, बॉडी पे क्या इफेक्ट रहता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब अपना ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, हमने सेल टू सेल सिग्नलिंग देख ली, केमिकल मैसेंजर देख लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड देख लिए, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ स्टडी वाले टॉपिक को, इसमें जो दूसरा टॉपिक मेन टॉपिक था, चलिए उसको देख, तो ये जो हमारा अगला टॉपिक है ये है मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है, यानी एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी स्टडी कैसे करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, उसका तरीका क्या है। तो एक तो हमें उनकी फंक्शनल एनाटॉमी पढ़नी होती है, फंक्शनल एनाटॉमी पढ़नी होती है, किसी भी ग्लैंड की फंक्शनल एनाटॉमी हमें पता होनी चाहिए, मतलब उसकी सिचुएशन क्या है, कहाँ होता है, लोकेशन क्या है, डिवीजन या पार्ट्स कितने हैं, हिस्टोलॉजी यानी उसमें कौन कौन से टाइप के सेल मिलते हैं, उसको क्या ब्लड सप्लाई और उसकी क्या नर्व सप्लाई है, तो ये तो हो गई उसकी एनाटॉमी, ये हमको पढ़नी होती है। फिर होते हैं फंक्शंस,
यानी उससे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उस ग्लैंड से और उसमें हर एक हार्मोन का क्या एक्शन रहता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो इसके रिगार्डिंग हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के रिगार्डिंग जानना होता है वो होता है एविडेंस टू सपोर्ट द फंक्शन ऑफ ग्लैंड। इसे क्या क्या एविडेंस है जिनसे हम बता कर सकते हैं कि ये ग्लैंड के फंक्शन है और अगर हम ये ग्लैंड हम रिमूव कर दें या ये फंक्शनल ना हो तो बॉडी में क्या क्या कमी आ जाएंगी, यानी इफेक्ट ऑफ एक्सटायरपेशन, ठीक है, एक्सटिरपेशन का इफेक्ट। एक्सटिरपेशन मतलब रिमूवल ऑफ द ग्लैंड, अगर इसको रिमूव कर दिया है बॉडी से तो बॉडी की ओवरऑल फिजियोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि तुमने निकाल दिया अब जरूरी है मान लो वो बंदा जिंदा ही ना रहे उससे, या आपने मान लो थायराइड का ऑपरेशन किया पीछे की तरफ पैराथायरॉयड होती है वो भी निकाल दी साथ में, तो पैराथायरॉयड का हार्मोन का तो बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे बोन के बोन फिजियोलॉजी पर, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पर, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सटिरपेशन बताया जाता है, उसमें इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सट्रैक्ट और द हार्मोन ऑफ द ग्लैंड, यानी अगर हम एक्सटर्नली किसी को ये हार्मोन दें तो उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, और उसके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन यानी उससे और क्या क्या क्लिनिकली वो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं वो ग्लैंड के बारे में जानना। तो ये हो गया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में तीन पॉइंट ऑफ व्यू उसके स्टडी करने के, कि किस तरीके से हम एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टडी कर सकते हैं। पहले उसकी फंक्शनल एनाटॉमी देखेंगे, फिर उसके फंक्शन देखेंगे और फिर उसके सपोर्ट में एविडेंसेस देखेंगे कि क्या क्या एविडेंसेस उसके रिगार्ड में दिए गए हैं। इसके बाद फोर्थ हम उसमें क्या देखेंगे, रेगुलेशन एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड। रेगुलेशन एक्टिविटी क्या है, बाई अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई और मास्टर हो इस ग्लैंड का, ये किसी और से कंट्रोल होती हो, ठीक है। जब पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी किससे कंट्रोल होती है, हाइपोथैलेमस से। फिर थायराइड है, थायराइड को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी। तो ऐसे ही हमें हर एक ग्लैंड का पता होना चाहिए कि वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट है या कोई और दूसरे सिस्टम से रिलीज होने वाले हार्मोन उसको रेगुलेट करते हैं, बाई अदर एंडोक्राइन ग्लैंड और एनी फैक्टर और बाई फीडबैक मैकेनिज्म। तो किस तरीके से उसकी एक्टिविटी होती है ग्लैंड की, मतलब वो किसी और के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है या अपने खुद के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। और लास्ट में हम देखते हैं उसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है, यानी उसके डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड, डिसऑर्डर ड्यू टू हाइपो एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड, यानी अगर वो ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाए तो क्या दिक्कत होंगी बॉडी में, और अगर हाइपर एक्टिव हो जाए तो क्या दिक्कत होंगी। तो आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं मैराथन सीरीज की वीडियो में इसके रिगार्डिंग, तो यही तीन चार पॉइंटों, ये पांच पॉइंटों के रिगार्डिंग ही हमें पढ़ना होता है। हम शुरुआत करते हैं एनाटॉमी से, फिर हम उसके हार्मोन को फंक्शंस को बताते हैं, फिर उसके अप्लाइड फिजियोलॉजी बताते हैं, और जहां जहां उसके रेगुलेशंस वगैरह होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो यही तरीका होता है इसका आंसर राइटिंग का भी, और इसको लिखने का या इसको पढ़ने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद आता है हार्मोन। तो ग्लैंड की स्टडी हमें कैसे करनी है, उसमें क्या क्या याद रखना है, हमें सारे पॉइंट पता चल गए। अब हम देखते हैं कि हार्मोन की स्टडी हम कैसे करते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ हार्मोन, तो स्टडी ऑफ हार्मोन में हम क्या कहते हैं, हार्मोन इज यूजुअली स्टडीज एज फॉलो। सोर्स ऑफ सिक्रेशन मतलब किस ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है और उस ग्लैंड के कौन से सेल्स से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, हिस्टोलॉजी लेवल पर। उसकी केमिस्ट्री क्या है, केमिकली क्या है, उसकी हाफ लाइफ क्या है, सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म बनता कैसे है, और फिर उसका मेटाबॉलिक होने के बाद वो फाइनली कंजप्शन के बाद उसकी कौन सी फॉर्म हमें मिलती है, क्या बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है या बॉडी दोबारा उसको रिकवर कर लेती है, उसका एक्शन क्या है बॉडी पर, मोड ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन तो है कुछ तो असर करेगा, लेकिन असर करेगा कैसे, सेल के थ्रू करेगा, ब्लड के थ्रू करेगा या किसी मॉलिक्यूल के थ्रू करेगा, मतलब डिपेंडेंट फैक्टर्स बताएंगे। और रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन मतलब उसका कितना अमाउंट सिक्रीट होना है, इसका रेगुलेशन कौन करेगा, किस तरीके से, कितना अमाउंट बॉडी के लिए डेली बेसिस पर हमको चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी हार्मोन की, यानी हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा और हाइपो सिक्रीशन से क्या होगा। अब यहाँ एक पॉइंट आता है हाफ लाइफ ऑफ हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हमने डिस्कस करना हाफ लाइफ क्या होता है वो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन ड्रग और एनी सब्सटेंस इज मेटाबोलाइज्ड और एलिमिनेटेड फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। आपने 100 ग्राम चीनी खाई, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सब्सटेंस खाया, चीनी खाई 100 ग्राम, 100 ग्राम चीनी आपके ब्लड में आ जाएगी ग्लूकोज के बतौर, ठीक है। अब ये 100 ग्राम में से 50 ग्राम कितनी देर में रह जाएगी, जब मैं ब्लड का सैंपल लूंगा अगली बार 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, अगर ब्लड में 50 ग्राम
रह गई, 100 से कितनी रह गई 50 ग्राम, तो यानी कितने घंटे में, 3 घंटे में 50 ग्राम रह गई, तो उसकी हाफ लाइफ हो गई, ठीक है, 3 घंटे में 100 से 50 रह गई। ऐसे हार्मोन की जो क्वांटिटी रिलीज हुई, आधा हार्मोन कितने टाइम में रह गया, तो उसको हम उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द टाइम, यहाँ टाइम फैक्टर आता है, ड्यूरिंग विच द एक्टिविटी और पोटेंसी ऑफ सब्सटेंस इज डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हाफ लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ हार्मोन डिनोट्स द एलिमिनेशन ऑफ दैट हार्मोन फ्रॉम द सर्कुलेशन, यानी या तो ये मेटाबोलाइज हो चुका है या एक्सक्रीट आउट हो चुका है, हाफ लाइफ यही बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हार्मोन की हाफ लाइफ से हम अंदाजा लग जाता है कि वो कितनी देर तक इफेक्टिव होगा, और अगर हम एक्सटर्नली किसी को हार्मोन दे रहे हैं तो हमें कितना टाइम बाद उसको दोबारा से उस हार्मोन का इंजेक्शन देना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना हार्मोन पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को कैसे पढ़ते हैं, उसका क्या तरीका है, ठीक है, उसका मेथड ऑफ स्टडी क्या है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये तीसरा टॉपिक था हमारा स्टडी में, ठीक है। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर स्टडीड बाय एनालाइजिंग द कॉज साइन एंड सिम्टम्स एंड सिंड्रोम। तो पहले हम ये कॉज पता करते हैं कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर में भी ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी ऑफ कंसर्न ग्लैंड, मतलब क्या ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गया है, हाइपो एक्टिव हो गया, फंक्शनल नहीं है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इंक्रीजेस ड्यूरिंग हाइपर एक्टिविटी एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग हाइपो एक्टिविटी। तो कॉज तो हमें ऐसा पता चल जाएगा कि हार्मोन का लेवल अप है या डाउन है, तो उससे हमें कॉज पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। साइन इज द फीचर ऑफ अ डिसीज एज डिटेक्टेड बाई डॉक्टर ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इट इज द ऑब्जेक्टिव फिजिकल एविडेंस ऑफ द डिसीज फाउंड बाई द एग्जामिनर। तो साइन क्या है, साइन एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, मतलब अगर आप डॉक्टर से आके कहते हो कि डॉक्टर साहब मेरे चोट लग गई, अब चोट में से खून निकल रहा है, तो ये क्या है, ये साइन है कि आपके चोट लग गई। आप कह रहे हो मेरे पेट में दर्द सा हो रहा है, अब डॉक्टर को तो नहीं दिख रहा ना दर्द, तो वो क्या है, वो सिम्टम है, आप बता सकते हो, डॉक्टर को देखेगा नहीं वो, ठीक है। तो सिम्टम मतलब जो सब्जेक्ट डिपेंडेंट है, और साइन वो जो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, मतलब आपको ऑब्जेक्ट बनाया गया और उसको वो देख रहा है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है डॉक्टर, तो उसको साइन बोलते हैं हम। तो साइन आंखों से विजिबल होता है और सिम्टम बताया जाता है, ये तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ साइन आर येलो कलरेशन ऑफ स्किन, अगर किसी की स्किन येलो कलर की तो आप पता कर लोगे ना कि इसको जॉइंटिस हो गया है। म्यूकस मेम्ब्रेन इन जॉइंटिस, पेनलेस इन एनीमिया, एनीमिया में काफी गोरापन निकल आता है इंसान की, पेनलेस मतलब रेडनेस खत्म हो जाती है चेहरे की, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, ठीक है। सिम्टम, सिम्टम इज फीचर ऑफ डिसीज फेल्ट बाई द पेशेंट, सो इट इज सब्जेक्टिव एविडेंस, समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस था और ये सब्जेक्टिव, साइन ऑब्जेक्टिव है, सिम्टम सब्जेक्टिव है। परसीव्ड बाई द पेशेंट, पेट में दर्द हो रहा है तो ये पेशेंट के फील हो रहा है ना, डॉक्टर कैसे देख लेगा इसको। इन सिंपल वर्ड इट इज नोटिसेबल चेंज इन द बॉडी एक्सपीरियंस बाई द पेशेंट। एग्जाम्पल ऑफ सिम्टम्स आर फीवर, इचिंग, स्वेलिंग और ट्रेमर्स, ठीक है। फीवर, इचिंग, स्वेलिंग, ट्रेमर, ये सब कौन बताएगा, पेशेंट बताएगा। लास्ट में इसी डिसीज की कैटेगरी में एक लास्ट पॉइंट बचता है अपना, सिंड्रोम, एक वर्ड और होता है कि सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सिंड्रोम इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम एसोसिएटेड विद द डिसीज विच अकर्स टूगेदर एंड सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डिसीज और पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपिंग अ डिसीज। सिंड्रोम हम किसको बोलते हैं, जिसमें कई सारे साइन और सिम्टम्स एक साथ आ जाएं, मतलब थोड़े बहुत होंगे तो वो डिसीज ही कहलाएगा। सिंड्रोम कब कहेंगे, जब कई सारे साइन और सिम्टम्स एक साथ आ जाए, जैसे हम एड्स की फुल फॉर्म पढ़ते हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो वो सिंड्रोम है, यानी उसमें डिफिशियंसी किसकी हुई है, इम्यूनिटी की, और उससे एसोसिएटेड सारे सिस्टम्स में कुछ ना कुछ खराबी आने लगेगी, तो ये कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है स्टोक एडम सिंड्रोम एंड द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपर सिक्रेशन, दैट इज कॉल्ड SIADH, सियाद, है ना, वैसे पूरा ही पढ़ते हैं इसको, अलग अलग कैपिटल में लिखा है ना, तो इसको सियाद नहीं पढ़ेंगे, SIADH या स्टोक एडम सिंड्रोम, ये हम पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स के ही डिसीज है, लेकिन एग्जाम्पल बतौर आप एड्स भी याद रख सकते हो, सिंड्रोम वर्ड के लिए, नॉट फॉर हॉर्मोन, सिंड्रोम के लिए, यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एंड साइन काफी सारे जब इकट्ठे हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होगा हार्मोन, ठीक है।
तो ये देखिए हमने यहां से शुरू किया था, आज हमने मैराथन में अपना ये इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी देख लिया। अगली वीडियो में अभी हार्मोन पर डालूंगा। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, कमेंट दिया, जिसने भी वीडियो देखा प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो फिर मैं इसकी दूसरी पार्ट बनाऊंगा और इसको मैं एक लंबे टाइम तक और पूरे कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे फिजियोलॉजी के आपके एग्जाम होने से पहले। तो ये मैराथन सीरीज है, याद रखिए 1 हफ्ते की सीरीज है। मैं भी डेडिकेटेडली काम कर रहा हूँ, आप भी डेडिकेटेडली वीडियो देखिए और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।